यार तो आज म्यूट गाला का फंक्शन है और हम यहाँ पर पहले सर से मिलेंगे और टेस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, असल में हम चाह रहे हैं कि पढ़ाई भी साथ साथ होती रहे और साथ साथ इंजॉयमेंट भी होती रहे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट काम क्या करना है, हमें टेस्ट देनी है। चाहे उसमें नंबर जीरो आए या पास हुए, बस हमें टेस्ट देनी है। ये भाई अभी भी पढ़ाई कर रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। कमरुद्दीन भाई आप पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई फोन कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो मोबाइल चला रहे हैं। सो कुछ भी यार, मैं समझा पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, मोबाइल चला रहे हो? वीडियो चला रहे हैं। वीडियो आ गए और टेस्ट भी हमने दे दिया। अब सीधा जा रहे हैं हम म्यूट गाला, वहां से एंजॉयमेंट देखते किस तरह से होती है। सीन ये था कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट थी यार। और मेरे जहन में म्यूट गाला। तो एक काम ये हुआ कि मैंने टेस्ट के एमसीक्यूज में म्यूट गाला लिख दिया। यार रास्ता ये वाला है, इस रास्ते से हमें जाना है, क्रॉस करना है, खाई में से जाना है और सीधा कहाँ जाना है, म्यूट गाला जाना है। इस खाई का सफर तय करते करते वन टू थ्री नहीं कहाँ से मारेगा लगता है। उई म्यूट गाला। ऐसा नहीं वहाँ पर जाए और बंद हो जाए, वो सब इंस्टॉल ही। A few moments later, ज़्यादा सफर कर लिया, पसीने भी आ रहे और पानी खा ले। पानी यार देखो, ये रेगिस्तान में आया, इसको पानी की प्यास लग रही है और मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ जाए, पानी नहीं मिल रहा। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऐसे ग्राउंड में जहाँ पर जमीन ही जमीन है, तो कोई इंसान नहीं। अबे वो सामने डोगे काटेगा, चल भाग। सामने डोग हमारे पीछे पड़ने वाला है। यार तो सीन ऐसा हुआ है कि हम म्यूट गाला के अंदर इंटर हो चुके और वहां पर सारे इंस्टॉल भी लगे हुए। शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। वैसे कहाँ पर है बेस्ट जगह, मुझे यार बिल्कुल भी नहीं पता है। भाई हमें लेके जाएगा, घुमाएगा। यार मेरे हिसाब से तो हमारा क्लासमेट है काशी, वहाँ पे बिरयानी लगा रहा है, वहाँ पे प्लस में गुडी गेम होती है। अच्छा, वो भी चल रही है। लेकिन अच्छा, यार प्राइजेस यहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से तो काफी ज्यादा प्राइजेस बता रहे हैं। 100 रुपए सिर्फ एक गुडी गेम के, जो के अगर बाहर खेले जाए तो 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए। भाई बिरयानी की बात बता रहे थे, इस वजह से मैं आगे आगे निकल गया। कैसी है बिरयानी? माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हैदराबाद की फंटास्टिक बिरयानी। प्लेट पाव नहीं, 1.5 पाव से ऊपर होती है। 120 यार ये मुझे बोला था फ्री में मिल रही है। नहीं फ्री में मिल नहीं, बोला था मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरा क्लासमेट है ना, फ्री में। यार यहाँ पर सीन ये हो गया हमारे पास, हम यहाँ सोच के आए थे कि यहाँ हम ये सोच के आए थे कि फ्री में खाएंगे, फ्री में बिरयानी मिलेगी, पर यहाँ तो पैसे ही पैसे है और हमारे पास पैसे नहीं है। एनीवे हम यहाँ पर क्या करने आए फिर? हम बस बिरयानी दिखाए। यार बिरयानी भाई ने दे दी, जज्बाती हो गए फ्री में। खाएंगे बिरयानी, आप भी खाएंगे। थैंक यू। जगह सारी बुक्स हुई हुई है क्योंकि हम लेट आए थे, तो अब बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। अब सोच रहे बिरयानी कहाँ खाए, ऐसा करते हैं एक जगह यहाँ पर मिली है, यहाँ पर बैठ के खाते रहते हैं बिरयानी, है ना? हाँ यार बहुत। A few moments later, अपन को सब पर यहाँ देख रहे, अपन कैसे बैठ के खाए। यार लोगों की परवाह ना करो जी, खाने पे फोकस करो लोगों जी। खाने पे कहाँ पर यार? वन थिंग आपको बताना चाहता हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपके पास अच्छी खासी मनी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, मीन्स एटलीस्ट आपके पास 500-1000 तो होना चाहिए इस इवेंट के लिए खास। इसमें क्या होगा, इतने सारे गेम्स, आप बोलेंगे ये भी हमें गेम्स खेलना है, ये भी गेम्स खेलना है, मीन्स दिल ही नहीं भरेगा यार। और अपने साथ कोई पार्टनर भी लेके आए यार। तो ये दोनों भाई गेम खेलने जा रहे हैं, कौन सा गेम है? कॉइन वाली बोल रहा है, 500 इनाम है और ये भाई इस पे खर्चा करने पर तैयार है ना? तैयार है लेकिन नहीं मिलेगा भाई।
इसको प्राइस मिला है, मुझे खिलाना आधा आधा आशय कैसे कोई अपने अपने में नजर आएगा, मीन्स कोई बर्गर खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है, यहाँ दोस्त तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों के दरमियान, बस हम दोनों एक साथ घूम रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे इसके उधार देने और ये मुझे अकेला छोड़ नहीं रहा इसे। मतलब बात सुनो, बुक इंस्टॉल सारा खाली हुआ हुआ है, बाकी इंटरटेनमेंट वाली जगह भरी हुई है, ऐसा आखिर क्यों है? ये हमारा मुआशरा तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। चलो फिर अपन चले बुक स्टॉल पे। यहाँ पर बुक स्टॉल भी है डिफरेंट कैटेगरीज के, रात जो रंग डिफरेंट टाइप्स है सिंबोलिज्म इन। ज्यादातर लोग मुझे देख के हंस रहे हैं कि क्या कर रहा है हाथ में मोबाइल लेके, या तो आईफोन शो कर रहा है। अभी हम जाने वाले अपनी परफॉर्मेंस देने, हमारी परफॉर्मेंस क्या है वो आपको स्टेज पे आके अंदाजा हो ही जाएगा। हे, रहा नहीं जाता। ये कुछ दिखाना चाह रहा है स्टेज पे आके, क्या दिखाना चाह रहा है? मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाह रहा। ये हमारा शाहरुख खान। ओए होए, भरम भरम भाई, अरे वाह, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओए होए, हमने चाय नहीं पी। वैसे मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन इस चाय चाय पिलानी पड़ेगी। थैंक यू थैंक यू। तो यार फाइनली चाय भी मिल गई हमें, अब चाय पी के फिर हम व्लॉग बनाएंगे, आराम आराम से पिएंगे ना, इस वजह से है ना ये पीना शुरू हो गया है। पर और चाय यार, हम यहाँ घूमते जा रहे हैं ना, तो हमें दिल ही नहीं जा रहा कि हम घर जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा रौनक है, इतने ज्यादा फन हो रहा है, इतने ज्यादा मजे आ रहे हैं। A few moments later. यार तो हम बहुत ज्यादा थक गए और हम अब म्यूट गाला से होके आ गए, इतना मीन्स इंजॉयमेंट ही और इतना हम ज्यादा चले हैं, तो हम अब इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से हम घर जाए। तो हमारा दोस्त आ रहा है गाड़ी लेके, तो वो हमें लेके भी जाएगा घर पे, तो एडिट भी करना है व्लॉग। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हम दोनों भाइयों का।